हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम दुनिया का सात अजूबे जिसमें लीनिंग टावर ऑफ पीसा इटली में है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे और उसका सच्चाई बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 15.48 मीटर डायमीटर में फैला हुआ दुनिया का सेमई टावर लीनिंग टावर ऑफ पीसा है। इसका निर्माण आज से 150 साल पहले हुआ था, जिसको बनाने में 199 वर्ष का टाइम लगा था। इसका निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ था 1173 में स्टार्ट हुआ था और 1372 में जाकर कंप्लीट हुआ था। इसको बनाने में 199 साल का टाइम लगा था। आप सोच सकते हो कि कितना कंस्ट्रक्शन वर्क कितना तेजी से होगा हो रहा होगा और कितना बड़ा होगा स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप एक बात बता दें, ये जो लीनिंग टावर है इसका नाम है लीनिंग टावर ऑफ पीसा। लीनिंग का मतलब होता है झुका हुआ। हाँ दोस्तों, लीनिंग हमारा जो टावर है जिस जो आप फिगर में देख रहे हो ये झुका है, यानी कि ये जो देखिए हमारा जो हाथ जैसे इसका जब टॉप से देखोगे तो इस तरह का आपको एंगल इस तरह का टिप इस तरह का इंक्लाइंड शेप में आपको दिखेगा। दोस्तों इसका हाइट जो है वो दो तरह का हाइट है, यानी कि आप जैसे आप मान लीजिए इस तरह का झुका है तो आप यहाँ से मेजरमेंट करो, इस रेफरेंस लाइन से मेजरमेंट करोगे तो उसका हाइट होगा 55.86 मीटर। ठीक है, और यहाँ से नापोगे तो कितना होगा 56.67। तो इस तरह का दो हाइट है दोस्तों। आपको एक बात बता दें, लीनिंग टावर पीसा है वो साल प्रत्येक साल में क्या होता है 1 से 2 mm क्या करता है, ये टिल्ट होता है। ठीक है, घूम एंगल में सडन एंगल में टिल्ट हो रहा है, क्योंकि ये टिल्ट होने का क्या कारण है और लीनिंग टावर ऑफ पीसा ये जो टिल्ट हुआ है इसका का क्या कारण है? दोस्तों इसका जो ये जो टिल्ट है वो एक्चुअल में टिल्ट बनाया नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये टिल्ट बनाया नहीं है, टिल्ट तो बाद में हुआ है। ठीक है, ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया इसके 100 साल 50 साल के बाद ये टिल्ट होने लगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो सोइल है वो सोइल का बेयरिंग कैपेसिटी लो है। ठीक है, वो सोइल क्या कर रहा है एक साइड से डिफॉर्म हो रहा है, यानी कि दब रहा है, इसके वजह से क्या कर रहा है वो शॉर्टन एंगल में उसको टिल्ट हो रहा है। और दोस्तों एक बात बता दीजिए, जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा लीन टावर ये जो हमारा टावर है ठीक है ये 4 डिग्री एंगल में टिल्ट हुआ है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया, देखिए जिस समय इसका निर्माण हुआ था ये क्या था प्रॉपर हॉरिजेंटल में था, और इसी के कुछ समय बाद जब सोइल कंपेक्शन होने लगा इसका लोड लगने लगा तो क्या हुआ ये एंगल में टिल्ट हो गया। ये जो निर्माण हुआ ये 14th century में हुआ है और उस समय ये क्या था 4 डिग्री एंगल में ही टिल्ट हुआ था। कुछ दिन और बीतने के बाद क्या हुआ सोइल और ज़्यादा डिफॉर्म होने लगा। 1990 के समय में क्या हुआ ये 5 डिग्री एंगल में टिल्ट हो गया, पर कुछ दिन के बाद क्या किया उसको ट्रीटमेंट किया, यानी कि उसका जो सोइल था उसको फर्दर टेस्ट किया, उसको अलग अलग फैक्टर से उसको वहाँ पे टेस्ट किया तो क्या किया उसका जो टिल्टिंग कैपेसिटी था उसको डिक्रीज कर दिया, यानी कि जो सोइल है उसका स्ट्रेंथ बढ़ा दिया। तो हाल फिलहाल आप देखोगे तो वो क्या है सिर्फ 4 डिग्री एंगल में है और बीच में क्या हो गया था 5 डिग्री एंगल में भी टिल्ट हो गया था। ठीक है दोस्तों, और ये जो टावर है इसका डिजाइन आर्किटेक्ट का नाम है बोमानो पिसानो, जिन्होंने क्या किया है इसको आर्किटेक्ट किया है डिजाइन किया है। ये जो आर्किटेक्चर है वो रोमन बिस्क्यू आर्किटेक्ट्स के बेस पे इसका डिजाइन किया है। आप उसका फोटो देख सकते हो और अलग अलग इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपको एक बता दें ये दुनिया का क्यों रहस्यमय टावर में क्यों रखा है आपको वो सच आप बता। देखिए दुनिया में एक ही टावर है वो क्या है टिल्ट है, यानी कि एंगल में घुमा हुआ है। आपको बता दी कितना एंगल में है वो 4 डिग्री एंगल में है। ठीक है, ये एंगल बना जो जब जिस समय इसका आर्किटेक्चर हुआ था इसका डिज़ाइन किया था उस समय तो पूरा हॉरिजॉन्टल में था, पर क्या हुआ वहाँ का जो सोइल था ठीक है सोइल डिफॉर्म होने की वजह से क्या हुआ दबने की वजह से क्या हुआ वो 4 डिग्री एंगल में टिल्ट हो गया। ठीक है, और कोई आपको पूछेगा हाल फिलहाल इसका एंगल कितने डिग्री एंगल में टिल्ट है तो आप अभी बताना 4 डिग्री में है और इससे पहले बीच में क्या था 5 डिग्री एंगल में टिल्ट हुआ था और उसको उपचार ट्रीटमेंट किया फर्दर टेस्ट किया सोइल को टेस्ट किया बेयरिंग कैपेसिटी इंक्रीज कराया तो क्या हो गया था अभी 4 डिग्री में है। ठीक है, और दोस्तों ये जो टावर इसका वेट 14,700 टन है। ठीक है, इसका जो सेल्फ वेट है वो 14,700 टन है और इसका हाइट है ये अप्रोक्स हाइट आप इसको मान सकते हो कितना है 55.86 मीटर इसका हाइट है। और दोस्तों इसमें 296 स्टेप है, यानी कि स्टेयर जो सीढ़ी है उसमें स्टेप है। और दोस्तों इसका इतिहास बताते हैं दोस्तों, ये जो पीसा सिटी का जो चर्च था टेरेस्ट्रियल का जो एरिया था वहाँ पे इसको बनाया है ताकि जो कोई बंदा चर्च में आए तो उसको इंटरेस्टिंग लगे देखने में अच्छा लगे और पीसा सिटी का जो चर्च है वहीं के साइड में इसको बनाया है। ठीक है दोस्तों, लीनिंग टावर ऑफ पीसा ताकि
लोग आए बंद कोई भी टूरिस्ट आए और देखिए घूमे, ठीक है। और दोस्तों इसको बनाने में $30 मिलियन लगा था। और दोस्तों एक बात बता दें, लीनिंग टावर ऑफ पीसा को स्टोलन टावर भी बोलते हैं, यानी कि जो ये जो स्टोलन डॉलर यानी कि चोरा हुआ पैसा यानी कि चोरी किया हुआ पैसा से ये बनाया है। क्यों बनाया आपको बताते हैं। देखिए उस समय क्या था, ये इटली सिटी तो बहुत धनिक था, बहुत उसके पास पैसा था, बहुत सब कुछ था, तो बहुत कंट्री का लोग इसमें आते थे, फॉरनर आते थे, घूमते थे। तो उन्होंने ये वहाँ का जो लोग था उन्होंने क्या किया, फॉरनर से कुछ पैसा मांगने लगा, कुछ ऐसे ही उसको लोभ पर लोभ दे के उससे पैसा लेने लगा, ठीक है। और वो पैसा को क्या किया, फर्दर वही टावर को बनाने में उन्होंने स्पेंड कर दिया। और इसी तरह से दो तीन और स्ट्रक्चर और बनाया है जो कैथेड्रल की ओर साइड में है, ठीक है। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, स्टोलन डॉलर टावर भी बोल सकते हो आप इसको। दोस्तों ये जो टावर है ये दुनिया का फर्स्ट टावर है जो क्या है, टिल्ट है, ठीक है। और टिल्ट होके भी अभी नहीं गिरा है। और दोस्तों ये जो टावर है आप हर एक डायरेक्शन से देखोगे तो थोड़ा बहुत टिल्ट होगा यानी कि झुका होगा, देखने में आपको लगेगा झुका हुआ है, ठीक है दोस्तों। और ये जो दोस्तों टावर है ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, कई कई देश युद्ध होता है, वार होता है, तो ये इसमें आर्मी तैनात करके उस टेररिस्ट को मार भी सकता है, क्योंकि इसका हाइट कितना है, 55.86 मीटर, यानी कि आप अंदाज लगा सको कितना बड़ा हाइट है, ठीक है। यहाँ पर आप मज़े से घूम सकते हो, इसमें अलग अलग पार्क है, अलग अलग म्यूजियम है, ठीक है, जाइए मज़ा से घूमिए। और पीसा सिटी है, यहाँ से फूल दिखता है, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो यही इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो आपके साथ।